एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल चैनल आईकी क्लासेस। आज हम लोग को क्या पढ़ना है, आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ हेलो एल्केन हेलो एरिन्स का वन शॉट। देखो इस वन शॉट में हम लोग को सबसे ज्यादा ये देखना है कि क्या सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। मैं आप लोग को पहले से बता देना चाहता हूँ हेलो एल्केन हेलो एरिन्स से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ से हम लोग को कन्वर्जन बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसके वन शॉट में। आज हमारे पास हेलो एल्केन, देखो हेलो एल्केन हेलो एरिन्स बेसिकली इस चैप्टर को अगर इस नाम से आप जानने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती तो हम लोग इसका दूसरा नेम लेते हैं एल्काइल हैलाइड। क्या? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड यानी एक आर ग्रुप, हैलाइड यानी एक्स। अब एक्स हमारा या तो फ्लोरीन या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन या तो आयोडीन, हमारा कुछ भी हो सकता है एल्काइल हैलाइड। क्लियर? अब ये चैप्टर जो प्रेफर करता है वो बेसिकली हमारा SN1 और SN2 रिएक्शंस में ज्यादा फेवर करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, SN1 रिएक्शन क्या होती है? SN1 रिएक्शन वो होती है जिसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन यानी कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। और SN2 रिएक्शन, इसमें नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। क्लियर? इतना अंतर समझ आया? ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। ऐसे ही जैसे हमारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है। 1 डिग्री हमारे पास जो एक कार्बन है वो हैलोजन के साथ अटैच है और वो एक ही कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए। मतलब जो कार्बन हैलोजन के साथ अटैच है वो एक ही कार्बन के साथ अगर अटैच हो तो वो 1 डिग्री, और अगर वही कार्बन मेरे पास सिर्फ 2 कार्बन के साथ अटैच हो, यानी जो हैलोजन के साथ अटैच है वो 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 डिग्री। जो कार्बन हमारे पास जो 1 डिग्री से अटैच है और वो 2-3 कार्बन के साथ अटैच हो तो उसको मैं बोलता हूँ 3 डिग्री। कोई भी डाउट है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हम लोग को अच्छे से समझ आ गया। अब देखते हैं आगे। अब हमको जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ किसका देखना है? हेलो एल्कीन्स का देखना है। किसका देखना है? हेलो एल्कीन। हम हेलो एल्कीन बनाएंगे कैसे? तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे मेथड हैं जिसमें हम लोग पहली प्रिपरेशन करते हैं एल्कीन से। किसकी प्रिपरेशन करते हैं, किससे करते हैं? एल्कीन से। देखो CH4 है, हम लोग ने सनलाइट की प्रिपरेशन के प्रेजेंस में कराया, और यहाँ पे हम लोग इसका कराते हैं Cl2 के प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? Cl2 के प्रेजेंस में। मतलब मेरे पास CH4 है प्लस हमने लिया Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ से एक HCl के फॉर्म में निकल जाएगा और एक Cl आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3Cl। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बन गया, CH3Cl। फिर एक बार ऐसे ही एक और रिएक्शन होगी तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2Cl2। मतलब एक और अगर H निकल गया Cl के साथ तो CH2 और 2 Cl आके जुड़ेंगे तो Cl2, फिर ऐसे CH3Cl। जब तक सारे H यहाँ से रिमूव नहीं हो जाते तब तक ये रिएक्शन चलती रहती है और आखिरी में किसका फॉर्मेशन होता है? CCl4 का। अच्छा, आगे देखते हैं। हम लोग ने एल्कीन के साथ बनाया था तो एक बार एल्कीन के साथ भी बना लेते हैं। यहाँ पे ये देखो इथीन है, यहाँ पे ये देखो इथीन है, तो ये रहा HBr और ये रहा HI, तो यहाँ से ये क्या होगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड टूटेगा HBr। इसकी ब्रेकिंग कैसे होती है? पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें से एक बॉन्ड टूट गया तो कार्बन की दोनों वैलेंसी क्या होगी? खाली होगी। यहाँ पे कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती, तो यहाँ पे एक एक वैलेंसी क्या होगी? खाली होगी। तो एक H किसी भी कार्बन को दे दो और एक Br किसी भी कार्बन को दे दो। अगर मान लेते हैं मैंने H इसको दे दिया तो CH3 हो गया, तो यहाँ पे हो गया CH2 और यहाँ पे हो गया Br। कोई भी डाउट यहाँ तक? सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ा, एक को H दे दिया, एक को Br दे दिया, सिंपल। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही किया, एक को H दे दिया, एक को I दे दिया। आगे, अब हमने ये तो एल्कीन और एल्कीन की मदद से बनाया, अब अगर हमें एल्कोहल की मदद से बनाना हो तो फिर कैसे बनाएंगे? When an alcohol is treated with halogen acid in the presence of dehydrating agent, replace the halogen atom. क्लियर? मतलब जैसे यहाँ पे ध्यान दो, ROH, और यहाँ पे मान लेते हैं मेरे पास ही HCl रहा होगा, क्योंकि मुझे किसकी फॉर्मेशन करनी है? एल्काइल हैलाइड की। देखो अगर मान लेते हैं हमें थोड़ा सा मेथड नहीं याद हो रहा तो हम ट्रिक के फॉर्म में याद करें। कैसे? इसकी ब्रेकिंग कैसे होगी? प्लस माइनस। इसकी ब्रेकिंग कैसे होगी? प्लस माइनस। तो प्लस को क्या पसंद है? माइनस। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ से ध्यान दो, RCl बन जाएगा एल्काइल हैलाइड, और प्लस क्या निकल जाएगा मेरे पास? वाटर। देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, एल्काइल हैलाइड निकला, हेलो एल्केन बन गया और यहाँ से वाटर का रिमूवल हो गया। जैसे ही हमारे पास 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड स्टेबल होते हैं, 3 डिग्री
2 डिग्री 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड स्टेबल होते हैं, वैसे ही ये एल्कोहल में भी होते हैं। किस में होते हैं? एल्कोहल में। क्लियर। चलो आगे देखते हैं। अब अगर हमको प्राइमरी और सेकेंडरी क्लोरो एल्केन्स बनाना हो तो फिर कैसे बनाएंगे? तो हम लोग प्रिपेयर्ड उसकी मदद लेते हैं यहाँ पे, किसकी? ग्रोथ प्रोसेस, यानी यहाँ पे हम लोग लेंगे ल्यूकास रिएजेंट। किसकी मदद लेंगे यहाँ पे? ल्यूकास रिएजेंट। कैसे? अच्छा, ल्यूकास रिएजेंट बेसिकली होता क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है? ये होता है HCl plus anhydrous ZnCl2। ये सिर्फ कन्वर्ट करता है, देखो HCl है ना, यानी जो हमारा कन्वर्ट करेगा किस में कन्वर्ट करेगा? क्लोरो एल्केन में, यानी क्लोरोइथेन, क्लोरो ब्रोमीन, क्लोरो प्रोपेन, कुछ भी में। जैसे यहाँ पे इथेनॉल है, क्या है? CH3CH2, और यहाँ पे क्या है? OH प्लस, मैंने यहाँ पे HCl लिया, और आप लोग को इस तरह ब्रैकेट के ऊपर लिखा मिलेगा एनहाइड्रस ZnCl2, आप लोग को इस तरह लिखा मिलेगा। तो आप लोग को समझ जाना है कि यहाँ पे ल्यूकास रिएजेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस मिलाना है, बाकी सब हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा, और प्लस मेरे पास H2O वाटर निकल जाएगा। ये देखो, ये रहा H2O वाटर निकल गया, Cl यहाँ पे आके जुड़ गया, सिंपल। अब अगर यहाँ पे ये देखो 2 डिग्री अल्कोहल है ना, कैसे? जो कार्बन OH ग्रुप के साथ अटैच है वो 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो 2 डिग्री अल्कोहल। तो अब की बार वाटर यहाँ से निकलेगा और Cl यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, सिंपल। तो ये क्या बन गया? 2 क्लोरोप्रोपेन बन गया, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी का कन्वर्जन हो गया। अच्छा आगे देखते हैं, तो क्या हम लोग क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, यानी जो हमारे पास क्लोरो वाले कंपाउंड्स हैं, क्या हम लोग और किसी की मदद से भी बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। हमारे पास एक और है, जैसे यहाँ पे फॉस्फोरस हैलाइड, यानी या तो यह PCl3 हो सकता है या तो PCl5 हो सकता है। क्लियर। अच्छा आगे देखते हैं। पहले जैसे यहाँ पे हमने बनाया हुआ PCl5 के साथ, चलो यहाँ नहीं देखते, हम बताते हैं आपको, वहां पे समझते हैं। जैसे मेरे पास क्या था? C2 यहाँ पे है OH। क्लियर। मैंने ले लिया PCl5 ले लिया, ठीक है। अच्छा PCl5 का स्ट्रक्चर होता है कैसे? इस तरह होता है, Cl यहाँ पे ऊपर सेल और ये नीचे सेल। देखो जो ऊपर के दोनों बॉन्ड्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड? इक्विटोरियल बॉन्ड्स। ये वीक बॉन्ड्स होते हैं तो ये जल्दी टूट जाते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक एच के साथ सीएल निकल गया, एक एच के साथ ये सीएल निकाल दिया, क्लियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3CH2 और एक सीएल, ये वाला सीएल मान लेते हैं यहाँ पे आके जुड़ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा सीएल, क्लियर। अच्छा देखो एक ऑक्सीजन बच गया है और फास्फोरस की 2 वैलेंसी खाली हो गई। फास्फोरस कितने बॉन्ड बनाता है? 5 बॉन्ड बनाता है, तो उसके 2 बॉन्ड फुलफिल करने के लिए ये ऑक्सीजन आके यहाँ पे अटैच हो जाता है। अब मैं इस सबको हटा देता हूँ, आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ से होता क्या है, यहाँ से इसका फॉर्मेशन होगा CH3CH2, यहाँ पे आ जाएगा Cl, फास्फोरस की बचा हुआ एक HCl निकल जाएगा, फास्फोरस की 2 वैलेंसी खाली हो गई, इसलिए बनता है POCl3। इसलिए किसका फॉर्मेशन हो गया? POCl3 का। समझ आए? ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर मैं PCl5 के साथ इसी रिएक्शन को कराता हूँ, मतलब जैसे मेरे पास CH3CH2OH है प्लस मैंने ले लिया PCl3 के साथ, सॉरी अगर मैं इसके साथ रिएक्शन कराता हूँ तो बस खाली इतना ध्यान रखना मुझे हमेशा मिलेगा H3PO3 और बचा हुआ मेरे पास क्लोरोइथेन बन जाएगा। अच्छा ये सब हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? ये सारे रिएक्शंस है, ये क्या ऐसे पूछा जाएगा ल्यूकास रिएक्शन? नहीं, वो ऐसे नहीं पूछेगा, वो बच्चों इस तरह पूछेगा, कहेगा कि मेरे पास इथेनॉल आपको कन्वर्जन देगा इथेनॉल टू क्लोरोइथेन। अब आपको इतने सारे कन्वर्जन जो मैंने अभी जैसे ल्यूकास रिएक्शन बताया, PCl5 बताया, PCl3 बताया, अभी एक और भी बताएंगे, तो उस सबको ध्यान रखते हुए आप किसी भी कन्वर्जन के थ्रू, यानी किसी भी साइंटिस्ट या किसी भी क्या कहते हैं एक्शन के थ्रू आप लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा अब हम लोग इसी तरह एक और बार प्रिपरेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ थायोनिल क्लोराइड। किसकी मदद से करते हैं? थायोनिल क्लोराइड। देखो फिर वैसे ही मैंने इथेनॉल लिया CH3CH2OH प्लस, अब थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है? SOCl2। देखो एक HCl निकाल देगा, तो यहाँ से HCl निकल गया, ठीक है। ये SO और ये O मिलके SO2 का रिमूवल कर देंगे, ठीक है। एक Cl बच गया तो वो प्लस CH3CH2Cl बन जाएगा। बहुत सिंपल था यार। अब ये बहुत अच्छा गुड यील्ड प्रोडक्ट होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ से SO2 और HCl गैस के फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं, तो बचता है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्लोरोइथेन। तो ये बहुत इजी था यार। अच्छा अब
ये देखो मैंने सारी रिएक्शन को क्या किया है आप लोग के लिए एक साथ लिख दिया है ताकि आप लोग को बिल्कुल भी परेशानी ना हो, तो आप लोग यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। चलो आगे देखते हैं, और इम्पोर्टेंट आपको साइंटिस्ट की नेमिंग रिएक्शन देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अभी तक हम लोग क्या बना रहे थे, क्लोरोइथीन यानी क्लोरीन का प्रोडक्ट बनाए थे। अगर मान लीजिए मुझे आयोडीन बनाना है यानी हेलो एल्कीन चल रहा है ना, तो एल्काइल हैलाइड, तो मैं एल्काइल क्लोराइड बना रहा था। अगर मान लीजिए मुझे एल्काइल आयोडाइड बनाना है, आपको दे दे इथेनॉल से क्या कहते हैं आयोडोइथीन, तब आप कैसे बनाओगे, तो मान लीजिए मेरे पास ये है क्लोरोइथीन, ठीक है, मुझे एल्कोहल था मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया क्लोरोइथीन में, अब मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया आयोडोइथीन में। बहुत ईजी है यार, ये भी कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान देते हैं। मैंने क्या किया, इंगलस्टीन रिएक्शन यूज किया, ये इसका रिएजेंट है मेन, NaI और एसीटोन की प्रेजेंस में, NaI और एसीटोन की प्रेजेंस में कराते हैं, तो यहाँ से क्या होगा NaCl निकल जाएगा और I आकर के जुड़ जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे देखते हैं ब्रोमोइथेन, अब मान लेते हैं मेरे पास क्या कहते हैं मेरे पास क्लोरो की जगह उसने ब्रोमो दे दिया, तो मैंने फिर NaI यूज किया, एसीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ हाफ इंगलस्टीन रिएक्शन, तो NaBr निकल गया और I आकर के यहाँ पे जुड़ गया, बहुत ईजी था। आगे देखते हैं, अब भाई हम लोग के पास हैलाइड जो होते हैं वो फ्लोरीन होते हैं, क्लोरीन होते हैं, ब्रोमीन होते हैं, आयोडीन होते हैं, हमने क्लोरीन भी देखा, ब्रोमीन भी देखा, आयोडीन भी देखा, हमने फ्लोरीन नहीं देखा। चलो फ्लोरीन देख लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ स्वार्ट्स रिएक्शन, किसकी मदद से करते हैं हम लोग स्वार्ट्स रिएक्शन। देखो स्वार्ट्स रिएक्शन में हमारे पास कुछ प्रोडक्ट कुछ रिएजेंट है जिनको थोड़ा सा दिमाग में रखना जरूरी है अपने माइंड में। एक है हमारे पास AgF, हम लोग ले सकते हैं, हम लोग HgF2 ले सकते हैं, SbF3। देखो जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो AgF और Hg2F2 पूछा जाता है, यानी मर्क्यूरिक फ्लोराइड, यहाँ पे सिल्वर फ्लोराइड और यहाँ पे क्या कहते हैं SbF3। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे CH3CH2 ये रहा Br, अब यहाँ से क्या होगा AgF मान लेते हैं मैंने लिया, तो यहाँ से AgBr निकल जाएगा और फ्लोरिन आके जुड़ जाएगा, बस बहुत सिंपल था यार स्वार्ट्स रिएक्शन। चलो आगे देखते हैं, अब एक बार हम लोग ब्रोमीन, हम लोग ने इससे पहले ऊपर भी देखा था, कहाँ पे देखा था NaBr के साथ, यहाँ पे ध्यान दो ये देखो एल्कोहल है, NaBr और H2SO4 की मदद से यहाँ से क्या हो जाएगा, मतलब हमारे पास जो एल्काइल ब्रोमाइड बनेगा और यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ये पहली प्रिपरेशन थी। अगर मान लीजिए हम लोग इसको भूल जाते हैं तो हम लोग हुंस डाइकर रिएक्शन ध्यान रखेंगे, ये एक बार ये बोल्ड 2023 जो हमारे पास जो 2023 का जो बोल्ड पेपर है इसमें ये पूछा गया है, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी ध्यान हो या फिर आप लोग ने पिछले सैंपल पेपर्स को उठाया हो, फिलहाल मैं उस सैंपल पेपर का लिंक जो मैंने सॉल्व कराया मैं उसके नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां पे भी जाके देख सकते हैं, आप लोग इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा हम, है ना। तो यहाँ पे क्या है, अच्छा इसको क्या है, ये जो RCH2C डबल बॉन्ड OOAG ये है क्या, ये हम समझ नहीं पा रहे, हम समझाते हैं। R क्या, हमारा एल्काइल ग्रुप मान लेते हैं मेरे पास CH3 था, तो ये हमारे पास क्या है CH2 ग्रुप है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है COOH मान लेते हैं। अब मैंने H को हटा दिया, इसकी जगह मैंने AG लगा दिया, H को हटा के मैंने इसकी जगह क्या लगा दिया AG, तो इसको क्या बोलेंगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ प्रोपोनोइक एसिड। भाई ये तीन कार्बन की चेन तो प्रोप है, प्रोपेन और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो प्रोपेनोइक एसिड, तो यहाँ पे लेकिन इसकी H की जगह क्या लगाओ AG, तो AG क्या होता है सिल्वर, तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा ये सिल्वर के साथ ही ट्रीट करता है और किसी के अलावा ट्रीट नहीं करता है, तो यहाँ से क्या होगा AgBr निकल जाएगा और बचा हुआ Br वहां पे आके जुड़ जाएगा, तो देखो AgBr निकल गया, बचा हुआ Br वहां पे आके जुड़ गया। अब लेकिन हमें कार्बोक्सिलिक एसिड तो चाहिए नहीं, तो यहाँ से CO2 एज अ गुड लिविंग गैस की तरह क्या हो जाता है एस्केपिंग टेंडेंसी आई, क्या हो जाता है रिमूव हो जाता है, क्लियर। तो ये थी हमारी हुंस डाइकर रिएक्शन, सभी को अच्छे समझ आया, ठीक है। अब कुछ इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आर मच हायर देन दोस पैरेंट एल्केन्स एंड एल्केन ऑब्जर्व रेगुलर ट्रेंड्स इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स और डाइपोल मोमेंट। देखो मतलब ये सब भूल जाए जैसे जो लिखा हुआ है, हम समझाते हैं। देखो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ये डिपेंड करता है साइज पे, किस पे डिपेंड करेगा साइज पे, यानी जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट होगा। देखो यहाँ पे आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, ब्रोमीन का, क्लोरीन का, फ्लोरीन का, इसको ऐसे भी थोड़ा सा समझ सकते हैं। मेरे पास बहुत ज्यादा मान लेते हैं एक टैंक है, उसको मैं हीट कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट चाहिए उसको बहुत ज्यादा हीट कराने के लिए, और मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है तो मुझे बहुत ही लेस अमाउंट में हीट चाहिए, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लेस होगा, वो जल्दी से इवेपोरेट कर जाएगा। तो ये बस वैसे ही था, क्लियर। तो वैसे ही यहाँ पे ध्यान देते हैं, डायपोल मोमेंट की बात करते हैं। डायपोल मोमेंट बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है,
यहाँ पे इट डिक्रीज एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हेलोजन डिक्रीज, यानी जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम होगी उसका हेलोजन का डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, सबसे कम होगा। हेलो एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जाहिर बात है हेलो एल्केन्स यानी हमारे पास CH3, CH2 या फिर CL, ये हमारे पास क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जल्दी वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, वो हमेशा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। जैसे हमारे एसीटोन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जैसे मेरे पास CCl4 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, वो इसी में डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब केमिकल रिएक्शन, कुछ SN1 रिएक्शन जो अभी हम लोग ने किया था बस उन्हीं की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर आपको इथाइल ब्रोमाइड दे दें और आपको कन्वर्ट करना हो इथाइल अल्कोहल में, तब कैसे करोगे? KOH से ट्रीट करा दो, तो कैसे होगा? K+OH-, तो KBr निकल जाएगा, OH आके जुड़ जाएगा, KBr बन गया। क्लियर? जैसे हमको मान लो साइनाइड बनाना है, अब साइनाइड कैसे बनाएंगे? तो मैंने KOH की जगह KCN ले लिया, तो KBr निकल गया, CN आके जुड़ गया। अब ये हमारे पास क्या है? ONO, इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल कंपाउंड। कौन सा? इसको बोलते हैं इथाइल नाइट्रोसिल कंपाउंड। तो यहां से क्या होगा, KNO2 ले लिया, तो ये NO2 और ये बना है ONO में, इसको बोलते हैं एम्बीडेंटेट। बच्चों क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेट, जो कि अपने स्ट्रक्चर को दूसरी तरह से भी शो करा सकते हैं। अब ये देखो RC डबल बॉन्ड OAG हंट्स डाइकर रिएक्शन है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से AgBr हो गया। अब यहाँ से CO2 का अगर मैं रिमूवल कर दूं तो यहाँ से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दो AgCN, यहाँ से अब एक बात ध्यान देना, जो हमारे पास देखो KCN था, तो यहाँ पे साइनाइड का फॉर्मेशन, ये बहुत ज्यादा पूछा गया है, बहुत ज्यादा पूछा गया है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर KBr निकल रहा था, CN आके जुड़ रहा था, तो इथाइल साइनाइड, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, AgCN के साथ, AgCN के साथ ये साइनाइड की फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, ये फॉर्मेशन कर रहा है आइसोसाइनाइड की। किसकी फॉर्मेशन कर रहा है? आइसो, किसकी फॉर्मेशन कर रहा है? ये आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा Ag होता है ना बच्चों, वो इतना जान लेते हैं कि वो कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है, जिसकी वजह से वो आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन करता है। क्लियर? ठीक है। और ये RONA, ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, कौन सी है? ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। इसमें RONA प्लस एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं, RCl मान लेते हैं, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो यहां से होगा क्या, क्या RCl निकल जाएगा, मतलब सॉरी NaCl निकल जाएगा, तो बच्चा क्या ROR, किसकी फॉर्मेशन हो गई? ये बच्चों ईथर है, यानी कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, इसको बोलते हैं ईथर। ईथर एक फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ये देखो उसी की फॉर्मेशन क्या, C2H5 OR बन गया और NaBr निकल गया। समझे? आगे देखते हैं। हम जैसे बात कर रहे थे ना SN1 रिएक्शन, SN1 में क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, पहले एक इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट एक कार्बोकैटायन बनता है, फिर उसके बाद क्या होता है, वहां पे एल्काइल हैलाइड अटैक करता है, तो यहां से जैसे बन जाता है एल्कोहल मान लेते हैं। क्लियर? जैसे यहां पे भी है देखो, एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, प्रोसीड इन टू स्टेप्स में होती है। यहां से क्या होगा, हेलोजन का रिमूवल हो जाएगा, तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, फिर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो प्लस न्यूक्लियोफाइल को, मतलब यहाँ पे आके न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो वो उस कार्बन पे जाके वहां पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या बन गया, थर्ड डिग्री यानी 3 डिग्री न्यूक्लियोफाइल। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारे पास SN1 का क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, लेकिन इसका जस्ट उल्टा होगा हमारे पास SN2 में। SN2 में क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये किसमें होगा मेरे पास, SN2 में होगा। क्लियर? जैसे कि यहाँ पे, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, उसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों? देखो ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, दिस रिएक्शन प्रोसीड इन टू स्टेप, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें देखो ये जो हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल था, यहाँ पे हैलाइड था, ये हैलाइड का रिमूवल हो रहा है और पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, यानी कार्बोकैटायन बनने का वो समय ही नहीं दे रहा है, तो एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है और एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं SN2 रिएक्शन। देखो इसमें आ गया ना 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, SN2 रिएक्शन फेवर होती है। अब बात करते हैं हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन की। देखो एलिमिनेशन, हम लोग एलिमिनेशन से वर्ड से ही समझ रहे हैं, क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, यानी एलिमिनेशन हो रहा है। कैसे? यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखो जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है RCH2 और यहाँ पे है CH3। क्लियर? अच्छा अब मान लेते हैं मुझे इसको एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? हाँ, क्लोरीनेशन सर, सनलाइट की प्रेजेंस में, या फिर हम लोग PCl5 के साथ SO2, मतलब SOCl2 के साथ PCl3
थ्री के साथ भी करा सकते हैं, ध्यान है HCl प्लस ल्यूकास रिएजेंट ZnCl2 उसके साथ भी करा सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा RCH2 और यहाँ पे बन जाएगा CH2 और यहाँ पे क्या आ गया Cl आ गया, ठीक है। अब यहां से होता क्या है बच्चों, यहां से एक एच और एक सीएल निकल जाएगा, अगर एक एच और एक सीएल निकल गया तो क्या बनेगा यहाँ पे आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, यानी यहां पे क्या हो गया मतलब एलिमिनेशन हो गया। यहाँ पे ये देखो क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान दो, यहां से ये एच सी एल निकला, यहां से ये मान लेते हैं एक्स हमारे पास है, कोई एक हेलोजन था वो सीएल था, यहां से एच सी एल निकल गया, यहां से वो निकल गया, ठीक है। बचा हुआ OH यहाँ से देखो वाटर की तरह निकल गया, ठीक है। मतलब ये पर मैं फिर से समझा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे वापस से, मान लेते हैं मेरे पास इस तरह रहा होगा CH3, यहाँ पे है CH2 को मैं ओपन करके लिख देता हूँ इस तरह, यहाँ पे मैंने ले लिया CH2Cl, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा आपको क्लियर दिखाना है तो मैं काम करता हूँ Cl को ऊपर लगा देता हूँ और H को नीचे लगा देता हूँ, है वही तभी चीज, और प्लस मैंने ले लिया KOH, ठीक है। आप KOH ले सकते हैं, आप NaOH ले सकते हैं, आप LiOH भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से होगा क्या, यहां से एक सॉल्ट यानी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, मैंने क्या बोला डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, यानी हमारे पास जो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा, यानी देखो हैलोजन्स का भी रिमूवल हो रहा है और यहां से H2O वाटर का भी, यानी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन यानी हाइड्रो यानी वाटर का भी रिमूवल हो रहा है। तो यहां से देखो एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ वाटर और एक यहां से क्या निकल गया डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। सच रिएक्शन इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम फ्रॉम द हैलो एल्कीन नोन एज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। ये भी किस पे डिपेंड करता है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री पे। अच्छा अब हमको कुछ रिएक्शन देखनी है जो मेटल के साथ प्रोसीड करती है। मान लो उसने आपको दे दिया एल्काइल हैलाइड, मान लेते हैं उसने आपको दे दिया, ये दे दिया RCl, उसने कहा मुझे एल्केन बना के दिखाओ यार, एल्केन यानी RR यानी CH3, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे तो हम यहाँ पे मदद लेते हैं वुड्स रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन वुड्स रिएक्शन। देखो मैं फिर कह रहा हूं जो एल्काइल हैलाइड यानी RCl की प्रेजेंस में होगा वो हमारे पास होगा वुड्स रिएक्शन, और जो एराइल हैलाइड यानी ARCl यानी इसका मतलब बेंजीन और उसके ऊपर लगा हुआ है Cl, इसको बोलते हैं एराइल हैलाइड, उसको बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बच्चों फिटिग रिएक्शन, क्लियर। और जो एल्काइल हैलाइड और फिटिग दोनों करते हैं उनको बोलते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। आई होप आपको अच्छे समझ आ रहा हो, जो सिर्फ एल्काइल हैलाइड वुड्स रिएक्शन, जो एराइल हैलाइड बेंजीन के साथ वो फिटिग रिएक्शन, जो दोनों करते हैं वो वुड्स फिटिग रिएक्शन। अब होती कैसे चलो वो भी जल्दी से देख लेते हैं। तो यहां पे बेसिकली सिर्फ इतना होता है कि मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है CH3Cl, ठीक है। मैं यहां पे एक मेटल लेता हूं, वो लेता हूं Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, क्या ड्राई इथर। अच्छा मुझे क्या बनाना है एल्कीन, तो मुझे एक CH3 चाहिए तो एक और CH3 भी तो चाहिए, इसीलिए हम लोग इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं, इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं। तो यहां से 2Cl और 2Na मिलके क्या निकल जाता है 2NaCl, और प्लस क्या निकल जाता है CH3CH3 बन जाता है, इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। ये देखो यहां पे हो गई वुड्स रिएक्शन। और ऐसे ही अगर मैंने क्या किया वुड्स फिटिंग रिएक्शन, यहां पे क्या किया एक एराइल हैलाइड यानी ARCl लिख लो एराइल हैलाइड, स्ट्रक्चर बना के देख लो इसको भी बोलते हैं एराइल हैलाइड, या फिर मैं इसी को थोड़ा सा केमिकल फॉर्म ले लिख दूं C6H5Cl तो भी एराइल हैलाइड, ठीक है। तो यहां से क्या होगा NaCl निकल जाएगा और ये आके जुड़ जाएगा, ये देखो ये बन गया हमारे पास, ये क्या बन गया बेंजीन, यही C6H5 बेंजीन, उसके ऊपर लगा हुआ है CH3, इसको बच्चों बोलते हैं टॉलीन, क्या बोलते हैं इसको टॉलीन, क्या बोलते हैं इसको टॉलीन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, हमारे पास कुछ एरोमेटिक कंपाउंड है कि हमारे पास हेलो एल्केन है तो हेलो एरीन भी तो है, एरीन यानी बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग में कैसे यहाँ पे एल्काइल हैलाइड मतलब एराइल हैलाइड में कन्वर्ट होगा, यानी अगर हम मेरे पास सिर्फ AR है मैं उसको ARCl कैसे बनाऊंगा। पहले क्या करा रहे थे एक बार ध्यान दो, क्लोरीनेशन यानी Cl के साथ ट्रीट करा रहे थे Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HBu सनलाइट की प्रेजेंस में, यही करवाए, देखो इधर उधर मत देखो यहाँ पे ध्यान दो। तो यहाँ पे Cl यानी सनलाइट की प्रेजेंस में करा रहे थे कब, जब मेरे पास एल्काइल हैलाइड था, अब जब मेरे पास ये है एराइल हैलाइड तो भी हम लोग Cl2 प्रेजेंस में करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग रिएजेंट ले रहे हैं FeCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क रिएजेंट,
यानी FeCl3 और डार्क रूम में हम लोग रिएक्शन कराते हैं, जिसमें हम लोग को एक क्लोरीनेशन यानी क्लोरोबेंजीन मिलता है। अगर Br2 ले लें तो ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। बस अब ये हमारे पास एक कंपाउंड है बच्चों, ये है हमारे पास डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम क्या होता है, देखो ये रहा बेंजीन, ठीक, इसके ऊपर N2, इसको बोलते हैं डायजोनियम, ये रहा क्लोराइड, तो हो जाता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो इससे भी हम लोग बहुत अच्छे से रिएक्शन कराते हैं, कैसे, चलो देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखो एक ये दोनों जो प्रोसेस है इनको बोल रहे हैं हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोल रहे हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। अब कैसे बोल रहे हैं यहाँ पे ध्यान देते, देखो सैंडमेयर रिएक्शन बहुत अच्छे से, खाली इतना ध्यान रखना कि हम लोग सॉल्ट लेते हैं, जैसे ClCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, जो सॉल्ट लेते हैं उसी का करेस्पॉन्डिंग एसिड लेते हैं। अगर मान लो मैं Cu2Br2 ले लूं तो मैं उसी करेस्पॉन्डिंग एसिड लूंगा HBr, बस। तो इन दोनों को लेते हैं तो हमारे पास जैसे ऊपर क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बन रहा था वैसे यहां बन जाता है, और बचा हुआ ये N2 एज अ गुड लीविंग ग्रुप की तरह निकल जाता है सबसे, चाहे क्लोरीनेशन हो चाहे ब्रोमिनेशन हो, समझ आया। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की मदद से हम लोग किसमें जा सकते हैं, क्लोरीनेशन या फिर ब्रोमोनेशन, यानी ब्रोमोबेंजीन या फिर क्लोरोबेंजीन। अच्छा, आयोडीन NaI वाला एसीटोन के प्रेजेंस में फिंकलस्टीन रिएक्शन, यानी किसमें कन्वर्ट हो रहा था, एल्काइल आयोडाइड में। अगर हमको आयोडोबेंजीन बनाना है तो हम लोग KI सिर्फ लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्लस KI, हम लोग क्या मिल जाएगा, आयोडोबेंजीन। और N2 क्या एस कैसे निकल जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा। K किसके साथ निकल जाएगा, Cl के साथ निकल जाएगा, कुछ नहीं बचा, आयोडीन वहां पे जाके जुड़ जाएगा यार। आगे देखते हैं, अब यहां पे देखो जो मेटल ले रहे हैं उसी का करिस्पॉन्डिंग एसिड ले रहे हैं, जो मेटल ले रहे हैं उसी का करिस्पॉन्डिंग एसिड लेंगे। ऐसे ही तो यार वो सैंडमेयर रिएक्शन भी थी, ये देखो सैंडमेयर रिएक्शन, उसमें सॉल्ट था, उसमें सॉल्ट था, यहां पे सिर्फ और सिर्फ मेटल है, यानी मेटल प्लस एसिड गैटरमैन रिएक्शन, सॉल्ट प्लस एसिड सैंडमेयर रिएक्शन, और दोनों में किसकी फॉर्मेशन हो रही है, ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन, और सब में नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। आगे ध्यान देते हैं, अब जैसे वहां पे था कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर था, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर किस पे था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, यानी बॉइलिंग पॉइंट साइज पे, किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, साइज पे, यानी साइज ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। वैसे यहां पे भी देखो साइज ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, साइज ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। आगे देखते हैं, बस अब हमारे पास कुछ रिएक्शंस बची हैं, बाकी हमारे पास फिनिश्ड। चल देख लेते हैं जल्दी से इनको भी, हम लोग फटाक से देख लेते हैं। अच्छा, अगर मान लो मुझे क्लोरोबेंजीन से, उसने कहा आपको क्लोरोबेंजीन से आपको बनाना है फिनॉल, आपको क्या बनाना है क्लोरोबेंजीन से, फिनॉल बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे, आप बनाओगे डाउस प्रोसेस की मदद से, किसकी मदद से, डाउस प्रोसेस की मदद से, किसकी मदद से बनाओगे, डाउस प्रोसेस की मदद से, काउस नहीं, डाउस प्रोसेस। कैसे, यहां पे ध्यान देते हैं, यहां पे क्या होता है, हम लोग एक बेस लेते हैं बच्चों NaOH, क्या लेते हैं NaOH। तो यहां से होता क्या है, यहां से ध्यान दो, ये H हमारा वॉटर की तरह निकल जाता है, Na हमारा Cl की तरह निकल जाता है। यहाँ पे हम लोग ने देखो इसके दो मॉलिक्यूल ले रखे हैं, 2 NaOH। तो यहाँ से होता क्या है, Cl हट जाएगा, ONa बन जाएगा। ONa मतलब बेंजीन के ऊपर O, इसको बोलते हैं फिनोक्साइड, सोडियम लग गया, सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। फिर उसके बाद देखो HCl के साथ ट्रीट कराया तो ये Na और Cl निकल गया, H जा करके यहाँ पे जुड़ गया तो OH बन गया और NaCl बन गया। इसको बोलते हैं डाउस प्रोसेस, पहले एक बेस लिया NaOH, फिर डाइल्यूट HCl लिया और फिनॉल के प्रोसेस कर गया, बन गया। चलो आगे देखते हैं, अब अगर मान लो मुझे क्लोरोबेंजीन से साइनोबेंजीन बनाना है तब कैसे बनाएंगे, यहाँ पे होगी इस तरह प्लस, यहाँ पे होगी माइनस, तो प्लस क्या निकल जाएगा CuCl, माइनस वहां पे जाके क्योंकि कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, उसकी वैलेंसी खाली हो गई तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, तो यहाँ पे जाकर के CN जुड़ जाएगा तो साइनोबेंजीन बन जाएगा। आगे ध्यान देते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अभी हम लोग क्लोरीनेशन देख रहे थे ना, तो अगर हम लोग वापस उसको ट्रीट कराते हैं तो हम लोग को एक ऑर्थो क्लोरो बनता है, एक पैरा क्लोरो मिलता है, ये उतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, फिर भी मैंने आप लोग के लिए लिख दिया है, अगर आप लोग चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, उतना ज्यादा कोई इतना इशू नहीं, ये नहीं पूछा जाता है। चलो आगे देखते हैं, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मतलब समझ लो कि एकदम क्या बताएं कितनी बार पूछा गया है, एकदम बता नहीं सकते यार कितनी बार पूछा गया है, फ्रेडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रेडिल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखो एल्काइल यानी R यानी CH3 ग्रुप, क्लियर, और एसिटाइल यानी C डबल बॉन्ड O Cl,
ये रहा एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल क्लोराइड, ये रहा एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल ग्रुप CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, और एल्काइल यानी सिर्फ CH3 ग्रुप, क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान दो, एक क्लोरोबेंजीन है, मैंने यहाँ पे एक लिया मिथाइल क्लोराइड, देखो CH3Cl मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, किसकी मदद से लिया, AlCl3 की प्रेजेंस में मैंने किया। तो मुझे यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं होता, ये Cl को उठाओ एक बार ऑर्थो पोजीशन और एक बार पैरा पोजीशन पे जोड़ दो भाई, एल्काइल मतलब हमारे पास क्या है, फ्रेडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक, एल्काइल यानी CH3 ग्रुप, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एल्काइल हैलाइड चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो हमने CH3Cl लिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो CH3Cl लिया, ठीक है, यहाँ पे CH3Cl लिया हुआ है, ठीक है। अब इन द प्रेजेंस ऑफ, हम लोग एक रिएजेंट लेते हैं, वो लेते हैं AlCl3 एनहाइड्रस, तो यहां से बस खाली इसका CH3 उठाओ एक बार ऑर्थो पोजीशन और एक बार पैरा पोजीशन पे जोड़ दो, बस हमारे पास ऑर्थो क्लोरोटोलिन और पैरा क्लोरोटोलिन बन जाता है यार, बहुत ईजी है। सिमिलरली यहां पे भी वैसे ही है, यहां से इस पूरे ग्रुप को उठाओ एक बार ऑर्थो पोजीशन एक बार पैरा पोजीशन, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन, अब क्लोरो लग गया है तो क्लोरो एसिटोफिनोन और क्लोरो एसिट यानी पैरा ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, बस समझ गए। तो ये बहुत ज्यादा ईजी है लेकिन ये बहुत बार पूछी जाती है तो ध्यान रखना। अच्छा, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन हम लोग देख ही चुके हैं। अब एक रिएक्शन हमारी होती है उलमान रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, उलमान रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, उलमान, ये हमारी क्या कहते हैं, किसकी प्रेजेंस में होती है, कॉपर आयोडाइड के प्रेजेंस में होती है, मतलब यहाँ पे हम लोग जो सोडियम ले रहे थे 2Na, उस सोडियम को ना लेकर के हम लोग ने यहाँ पे ले लिया आपकी बार, मतलब 2Na ना लेकर के हमने 2Cu ले लिया, तो वो बन गया उलमान रिएक्शन, बस कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में कराते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं उलमान रिएक्शन और कुछ नहीं, दैट्स इट। तो यहां से क्या होगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पे Ri होता प्लस 2Cu प्लस Ir होता, तो यहां से क्या हो जाता, ये निकल जाता और बचा हुआ मेरे पास आर आर बन जाता यानी एल्काइल एल्काइल ग्रुप बन जाता। हम लोग हेलो एरीन देख रहे हैं यानी एरीन यानी एराइल ग्रुप, तो यहाँ पे उसने बेंजीन के फॉर्म में यानी डाइफिनाइल बना दिया, बस सिंपल। तो ये सारी रिएक्शन मैंने आप लोगों को कन्वर्जन के भी टर्म में बताया, कैसे कन्वर्जन होंगे, आप लोग को मैंने रिएक्शन भी दिखाया, अब आप लोगों का काम ये है इसको आगे प्रोसीड करना और आगे अच्छे से इसको एक एक स्टेप वाइज आपको एक एक रिएक्शन लिखना। देखो मैं फिर कह रहा हूं, 10 जगह देखने से अच्छा है एक जगह ही 10 बार देखो तो बहुत अच्छे से समझ आता है। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बाय बाय।